नमस्कार फौजी भाइयों, मुझे भारत की जिन चीजों पर गर्व है उनमें हमारी सेनाएं हैं, आप हैं। शुक्रिया विविध भारती का कि मेरे गीत तो आप तक पहुंचाते ही रहे हैं और आज मुझे आपसे बातें करने का भी अवसर दिया, आपको शुभकामनाएं देने का अवसर दिया। मैं अपने हर कार्यक्रम का आरंभ प्रार्थना से ही करती हूँ, और कार्यक्रम ही क्यों, मेरे हर दिन की शुरुआत भी प्रार्थना ही से होती है। लेकिन ये प्रार्थना, ये संगीत, ये संस्कार मुझे मिले मेरे पिताजी दीनानाथ मंगेशकर से, जो स्वयं एक सुविख्यात गायक और अभिनेता थे। मेरा तो आज तक ये विश्वास है कि मेरे गले से मैं नहीं, मेरे पिताजी गा रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि दिए बगैर मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। मान सकते हैं कि बचपन में हमें फिल्में देखने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। हाँ, जब कभी केएल सहगल की फिल्म आ जाती पिताजी हमें इजाजत देते, पर तब मैं कहाँ जानती थी कि सहगल साहब ही मेरी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आप जानते हैं मैं सहगल साहब की दी हुई अंगूठी अपनी हर रिकॉर्डिंग पर जरूर पहनती हूँ। मैं क्या जानू क्या है जादू है, जादू है। नैनों ने
ने कहा, नैनों ने कहा, जब नैन मिले नैनों ने कहा, अब नैन बसेंगे नैनों में, मैं क्या जानूं क्या है, जादू है जादू है जादू है, इन दो मत वाले नैनों में जादू है। मैं एक बात बहुत सुन रही हूँ कि अगर कोई संगीतकार पाश्चात्य धुने और खासकर डिस्को धुने नहीं दे सकता तो वो सफल नहीं हो सकता, लेकिन एक संगीतकार हैं जिन्होंने हमारे फिल्म संगीत के कई सावन देखे, कई पीढ़ियां देखी हैं, फिर भी उतने ही लोकप्रिय हैं और उन्होंने अपने स्टाइल के साथ कोई समझौता भी नहीं किया। ये हैं खयाम साहब। है दिले नाना, है दिले
जानते ही होंगे कि मैंने फिल्मी गानों के साथ साथ गैर फिल्मी गाने भी गाए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि हिंदी में गैर फिल्मी गीत बहुत कम बनते हैं, और दुख की बात इसलिए कि इन गीतों में कविता और मुखरित होती है। इनमें फिल्मों की सिचुएशन का आधार नहीं लेना पड़ता ना। बंगला और मराठी में ऐसे अनगिनत गीत बने हैं। एक ऐसा ही मराठी गीत सुनिए जो मेरी बहन आशा ने बहुत सुंदर गाया है। कवियत्री हैं शांता शेर की और संगीतकार बाल, मेरा मतलब मेरा भाई हृदयनाथ मंगेशकर। प्यारे किशोरदा के साथ गाया है, संगीत हृदयनाथ का है, गीत हल्का फुल्का है पर है बड़ा प्यारा, याद रह जाने वाला, फिल्म मशाल। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, we'll be right back।
याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। देर पहले पाश्चात्य संगीत और डिस्को की बात कर रही थी ना, एक फिल्म सुबह जिसमें मैंने एक गीत गाया है, इस गीत की लोकप्रियता ने ये आशा जगाई, ये विश्वास पैदा किया कि भारतीय जनमानस को वही संगीत मीठा लगता है जो हमारे सात स्वरों में ढला हो। लीजिए सुनिए वही गीत। नाम ना जाने धाम ना
1983 की शुरुआत में मैं कुछ स्टेज कार्यक्रम करने के लिए खाड़ी के देशों में गई हुई थी। वहाँ जाने से पहले हमें बताया गया था कि देखिए, सिर्फ वो गाने ही गाइएगा जिनमें उर्दू अल्फाज की भरमार हो, वरना वहाँ के लोगों को कार्यक्रम पसंद नहीं आएगा। खैर, हमने तो कार्यक्रमों के लिए सभी तरह के गीत चुने। कार्यक्रम का आरंभ हमेशा की तरह संस्कृत में प्रार्थना से होता था और अंत में आपके लिए लिखा गीत है मेरे वतन के लोगों। और आप जानते हैं उन्हें सबसे अधिक गीत कौन सा पसंद आया? पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखित शुद्ध हिंदी की एक रचना, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं कहना ये चाहती हूँ कि कोई भी देश अपने घर आए मेहमान के रस्मों रिवाज जानने परखने में खुशी महसूस करता है। हमारा देश ही देखिए ना, कितनी ही संस्कृतियाँ अपने में आत्मसात की हैं। इसी बात पर मैं चाहूंगी कि आप वो गीत सुने जो मध्य पूर्व संगीत के अंग पर आधारित है। ये एक कव्वाली होते हुए भी उसमें शोखी और धूम धड़ाका नहीं है। फिल्म है रुस्तम सोहराब और संगीतकार है सज्जाद हुसैन। फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। सके हम होश में आना भूल गए, कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। तस्वीर थी अल्लाह कसम ऐ सनम, क्या हसी तस्वीर थी अल्लाह कसम ऐ सनम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हृदयनाथ पर एक ठप्पा सा लग गया है कि वो गैर फिल्मी गीत ही सुंदर बनाता है, या उसकी धुनों में शास्त्रीय संगीत की प्रचुरता है। पर ये बात सही नहीं है। उसका संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत, वो तेज रफ्तार भी है, उसमें वेस्टर्न रिदम भी है, वो फिल्म की सिचुएशन के अनुरूप भी है, और फिर भी उसमें एक अलग मिठास है। Okay.
ने पाला हम वो उजाले, रातों ने पाला हम वो उजाले। आकाश सही खेले गम से निर्धन घरों के बेटे, फूलों की सेज नहीं कांटों पे हम है लेते। बचपन में खेले गम से निर्धन घरों के बेटे, फूलों की सेज नहीं कांटों पे हम है लेते। भूखे रहे सो गम सहे दिल ये कहे, ये साहिर लुधियानवी मेरे अजीज शायर थे। उनकी लेखनी में सिर्फ सटीक शब्द नहीं थे, उनका लिखने का ढंग बड़ा पुर असर था। उनका कोई गीत आप फिल्म कहानी से निकाल दीजिए, फिर भी उसके मानी, उसका असर, उसका वजूद वही रहेगा। असल जिंदगी में भी हमें वो उतना ही सच लगेगा, और गीत लोकप्रिय होने के लिए ये बहुत जरूरी शर्त है। आप साहिर साहब का कोई सा गीत ले लीजिए, अगर वो संजीदा है तो उसमें चुभन होगी, और अगर वो प्रेम गीत है तो वो आपको छू जाएगा। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया जिस दम मुस्कुराते हैं, तुम्हारे नरम नाजुक होंठ
जिस दम मुस्कुराते हैं। बहारे जेपती है फूल खिलना भूल जाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ प्रार्थना से करती हूँ, उसी तरह चाहे हम दुनिया के किसी कोने में हो, हर कार्यक्रम के अंत में मैं कहती हूँ जय हिंद।